खिलाड़ी सचिन तवर रेड पे आया भाई, साथ के डिफेंस में बोनस राइट इन रेड। प्रो कबड्डी में आप पटना पायलट ने खेलते देखते हैं भाई, सब बेहतरीन शानदार मुकाबला होने वाला है। बोनस ऑन टच का प्रयास लेफ्ट कॉर्नर पर और एम्प्टी रेड भाई फर्स्ट है। और अब सचिन गुजरात का सबसे बेहतरीन राकेश कोहली और भाई साहब एक शानदार टैकल। बलवंत सिंह जाने ने
चोट लग सकती है, आप कृपया मंदिर के नदी का सहयोग करें। आप दादा के भगत नहीं हो सकते, जो उसका अनुशासन उनका करता है वो हमारा दादा का भगत नहीं हो सकता। तो मैं हमारे मंदिर के नदी को ओलंडर से अनुरोध करूंगा कि ऐसी व्यवस्थाओं को आप समय से यहाँ पे चेक करते रहे। पुलिस वालों से मैं अनुरोध करूंगा, प्रधानी से अनुरोध करूंगा और सरपंच साहब से, मेरे सरपंच साहब से जो पुलिस की टीम यहाँ व्यवस्थित कराया जाए, क्योंकि भीड़ ज्यादा है। तो थोड़ा सा और मैं अभी समय रेड पर पांच नंबर पर्ची का खिलाड़ी साथी राकेश अधिकारी को आप गांव जी ने कहते हैं एक तरह कबड्डी का सुपर स्टार है, वज्र है, आपने देखा होगा इस खिलाड़ी को गुजरात जाइंस में। और मैं अभी समय रेड पर दस नंबर पर्ची का खिलाड़ी साहिल मीरगुलिया अकादमी जिला सोनीपत का ये खिलाड़ी है और बहुत ही सुपर स्टार रेड रहा है हरियाणा प्रदेश का आप कह सकते हो। लेकिन साथियों बीच में जो चैन खड़ी है, कवर की जो चैन है साथियों सुनील और परवेश की, पूरी दुनिया में इस चैन का जिक्र किया जाता है कि भैंसवाल की चैन है, ये वो चैन है साथियों। कवर की सबसे बेहतरीन जो दो डिफेंडर सुनील और परवेश आज बाबा जयराम दास के समारोह में पहुंचे हैं, बाबा की कृपा बाबा का आशीर्वाद हम पर बना रहे। पांच के डिफेंस में सचिन तंवर का था थोड़ा राजस्थान पुलिस का वो दमदार खिलाड़ी जो कि राजस्थान प्रदेश से नेशनल खेल चुका है, कबड्डी खेल चुका है और साथ ही चैन का सुचाउट कह सकते हैं कबड्डी की दुनिया में इस स्केल को डिसाइडेड। पंद्रह नंबर जर्सी का खिलाड़ी साथ ही सचिन कभी खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा सचिन डिसाइडेड करता हुआ दो बेहतरीन कॉर्नर, चाहे रिंकू शर्मा की बात हो और चाहे नितिन राहुल की बात हो, साथ ही परवेश भैंसवाल की बात हो, चाहे सुनील भैंसवाल की बात हो, चाहे राकेश गोम की बात हो, चाहे दिव्यंदर की बात हो, चाहे सचिन की बात हो, सबके सब सुपर स्टार खिलाड़ी अजय की टीम का हिस्सा बने हुए हैं। अगला जो मैच है साथियों कैर दिल्ली, कैर दिल्ली वर्सेज सीएसए पानीपत, कैर दिल्ली वर्सेज सीएसए पानीपत, दोनों टीमें तैयार हो गई। कैर दिल्ली वर्सेज सीएसए पानीपत दोनों टीमें तैयार है, इस मैच को तुरंत मैच होगा मुकाबला, कोई भी उनको चना नहीं दिया जाएगा। कृपया आपसे हाजिर विनती है, दोनों टीमें तैयार है। मैं पहले भी बता दिया गया कैर दिल्ली वर्सेज सीएसए, दोनों टीमें बड़ी बेहतरीन है और मैं अब सुबह में समय रेड करता हुआ सुबह में मीरगुलिया अकेडमी का वो खिलाड़ी समय रेड करता हुआ राजस्थान पुलिस का खिलाड़ी और जयपुर की जनता टीम का हिस्सा रह चुका साथियों बीरचंद्र सिंह, एक बेहतरीन रेड है और भाई बेहतरीन टच पॉइंट। और नीरगुजरा अकेडमी की तरफ से साथियों साहू साहिल जो कि सोनीपत के राइज में है और नीरगुजरा अकेडमी में कबड्डी का अभ्यास करते हैं, पॉइंट लेने में कामयाब रहे। और अब रेड पर फिर साथियों बीरचंद्र इस समय रेड करता है, राजस्थान पुलिस में कार्यरत है खिलाड़ी और प्रो कबड्डी में भी अपना जरूर दिखा चुका है, बेहतरीन ऑलराउंडर आप कह सकते हैं उस खिलाड़ी को बीरचंद्र सिंह। और भाई सुबह में समय रेड पर साथियों सुबह बहुत ही अच्छा खिलाड़ी नीरगुजरा अकेडमी का और अच्छा मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में लगातार बीरचंद्र रेड करता है। फिर एक बार बीरचंद्र इस समय रेड पर राजस्थान पुलिस में कार्यरत है खिलाड़ी और प्रो कबड्डी का सुपर स्टार खिलाड़ी भी आप कह सकते हो इस समय रेड करता हुआ। नीरगुजरा अकेडमी का बेहतरीन डिफेंस, बिल्कुल एग्रेसिव डिफेंस और नीचे साथ ही बच गई, बहुत ही बेहतरीन
टैकल किया। देखो कई खिलाड़ियों को टच कर चुका था लेकिन सही भाग्य रहे वीर गुल्ला अकेडमी का कि बिरजित लाइन क्रॉस नहीं कर सके और फिर एक बार शुभम रेड पर शुभम इस समय रेड करते हुए और भाई 7-8 का स्कोर आप अनुमान लगा सकते हैं दोनों टीमें कितनी बेहतरीन हैं। थर्ड रेड ध्यान दस करो दूसरा रेड सचिन तमिल खिलाड़ी आज का सचिन हिस्सा रेड करता है साथ में बिल्कुल और भाई करते हैं आप सही रेड हमसे बाहर हो जाए आपका जगह ना मिले आप लोग आप ही जगह वहां से भी जाए कि यहाँ पे नहीं मिलेगी फिर क्या करेगा तीन लोग को तो बहुत ही अमीर बैठा है रखा है वो ऑब्जेक्शन में पूछे थे तो इंडिया ने मानने बोल रहा बाहर हो चलो ये बीच में भी जो है स्टैंड है आप बता सकते हो किस प्रकार का ये मुकाबला है। साहिल 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 बिल्कुल बेहतरीन सुपर टैकल साथ में रिंकू शर्मा रिंकू शर्मा द्वारा बेहतरीन सुपर टैकल किया गया 2 पॉइंट मिले और फिर 1 पॉइंट से पैथेरा की टीम आगे चलती है। उतार चढ़ाव का ये मुकाबला राकेश काले इसी में रेड करता हुआ प्रो कबड्डी का एक सुपर स्टार रेड रहे हैं नवीन गोयल के पास सिकंदर की किसी की बात होती है साथ में राकेश लेकिन ये बैन नहीं है साथ में पुलिस कर्मचारी कहीं नहीं मिल रहा चल रहा है तो कबड्डी में ग्राउंड में 500 पुलिस वाले भेजे उनके कर्मचार से नाम से अनुरोध करवा तो कबड्डी ग्राउंड में मुझे एक भी पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा करता करते आप 5-4 पुलिस वाले वहां भेजे यहाँ थोड़ी अव्यवस्था हो रही है इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आप हमारा सहयोग करें क्योंकि कमेटी के वॉलंटियर से मुझे बधाई देने गए हैं वो शायद मैच का आनंद लेने में बिजी है तो कृपया करके कुछ और भाई दोनों टीमों का स्कोर 7-10 एक बार तौर बताओ दोनों टीमों के लिए 10-10 का स्कोर सुपर टैकल ऑन सुबह इस समय रेड पर सुबह 30 सेकंड का समय कबड्डी कबड्डी हिंदुस्तान के तीन बेहतरीन डिफेंडर तेरे कबड्डी के तीन बेहतरीन डिफेंडर चाहे रिंकू शर्मा की बात हो चाहे नितिन राहुल की बात हो चाहे परवेश भैसवाल की बात हो इन्होंने बड़े बड़े रेडरों को तेरे कबड्डी के मैच पर दौड़ चढ़ाई है। आज देखते हैं बाबा जयरामदास के मेरे में क्या करते हैं और मुझे सोचो ये है रिंकू शर्मा और अब रेड पर बिरजेंद्र बिरजेंद्र राजस्थान प्रदेश का ये खिलाड़ी तेरे कबड्डी में अपनी छाप छोड़ चुका है नेशनल गेमों में अपनी छाप छोड़ चुका है ये खिलाड़ी सीनियर नेशनल का बेस्ट डिफेंडर आप कह सकते हैं इसको बेहतरीन ऑलराउंडर और मुझे साथ ही बिरजेंद्र भी ढेर हुआ कोई भी मिला नीर गुड़िया अकेडमी को और वहां पर एक टाइम आउट के मुझे दिक्कत है तरफ से सुनील भैसवाल आप सुनिए दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंडर आप कह सकते हैं उसको कह रहे हैं इंसेंटर
और कुत्तरा कबड्डी में जयपुर त्रिपान का टीम का ये कैप्टन था और उसने जयपुर को पूरा कबड्डी का सीजन 9 जिताने का काम किया। उससे पहले गुजरात का हिस्सा रहा पूरा कबड्डी में लगातार पानी की टटियां ले आए नवीन विनोद को भी हमारे कमेटी का वॉलंटियर ऊपर खिलाड़ियों के लिए पानी की व्यवस्था बोतल लाके टोटियां रखी हुई है। कृपया कोई भी मेरा आवाज सुन रहा हो तो वो यहाँ पहुंचाए पानी का और वो फिर साथ में सचिन बेड़कर तमिल खिलाड़ी है टीम का ये खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन रेडर है। और चार खिलाड़ियों का डिफेंस चारों के चारों बेहतरीन डिफेंडर तरह कबड्डी के नितिन रावल रिंकू शर्मा सुनील और परवेश दोनों भैजाल से और तमिल क्राइवाज का सचिन वो भी तरह कबड्डी का सुपरस्टार है। इस समय नितिन रावल एक बेहतरीन ऑलराउंडर आप कह सकते हो नितिन रावल को एक अच्छा ऑलराउंडर प्रो कबड्डी का साहिल इस समय रेड करता हुआ साहिल निर्भुलिया अकेडमी का खिलाड़ी इस समय रेड करता हुआ चार खिलाड़ियों का डिफेंस और भाई साथ ही एक दोनों ही टीमों के लिए ताली बजाओ। अब तक का जो मैच है उस मैच का वर्तमान स्कोर मैं आपको बताऊं स्कोर है 13-14 और गुड़ियागर्मी के पक्ष में आ चुके साथियों सच्चाई की वफादारी की होगी चुकी है। और अब रेड पर राजस्थान 10 नंबर चर्ची का खिलाड़ी साथियों सचिन तवर गए और अब रोड पर साथियों सचिन निर्गुड़िया कोच साहब का शिष्य है सोनीपत में एक अकेडमी पढ़ते हैं निर्गुड़िया अकेडमी वहां कबड्डी का अभ्यास वहां कबड्डी की शिक्षा ली और प्रो कबड्डी जैसे टूर्नामेंट में पहुंचकर अपने आप को साबित किया कि मैं भी कबड्डी का एक बहुत शानदार खिलाड़ी हूँ। और अब साथियों रोड पर 5 नंबर जर्सी का खिलाड़ी राकेश काली गर्ल्स रैकेट गुजरात की टीम का ये सुपरस्टार रह गए हैं बहुत ही प्रो कबड्डी के माध्यम से आपने इस खिलाड़ी की काबिलियत देखी होगी। और ये है और भाई चाय पे जितने भी मेरे साथी हैं ना सुंदरता ग्रीमा को बनाए रखें आप पेड़ से नीचे उतर जाए पेड़ पर न चढ़े अन्यथा बार बार हमारी महेंद्रगढ़ पुलिस के आदेश आ चुके हैं कि आप पेड़ों पर न चढ़े फिर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आप बैठ कर मैच करने वाले किसी भी तरह का कोई भी परेशानी उत्पन्न नहीं है। 10 नंबर जर्सी का खिलाड़ी साहिल राय सोनीपत सिंह खिलाड़ी है निर्गुड़िया कोच साहब का शिष्य है और अच्छा मुकाबला इस समय आप कह सकते हैं साथियों हमने और आपने उम्मीद की थी इसी प्रकार की अठारह दोनों टीमों का स्कोर हार जीत किसकी होगी आने वाले समय बताएगा साथियों अच्छा मुकाबला चलता हुआ। I'm
साहिल इस समय रेड करते हुए साथियों साथ के डिफेंस में, और यहाँ यदि यहाँ से साहिल स्कोर करता है तो नीरविल्ला की टीम आगे निकल जाएगी, यदि पाथोड़ा की टीम स्कोर करती है तो पाथोड़ा की टीम आगे निकल जाएगी। कमाल का अंकल वहां पर मीटिंग डाल में पश्चिम में सुबह होने दिया और पॉइंट अर्जित किया अपनी टीम के लिए। थर्ड रेड दो चार अंकल है राकेश काली इस समय रेड पर, और अब राकेश कामयाब 218 का स्कोर, 2 पॉइंट की लीड पाथोड़ा की टीम की, और बिल्कुल सचिन को बोनस दे दिया है क्योंकि सचिन में काबिलियत है, सुपर रेड लगाने की भी काबिलियत है। अगला मैच का पानीपत ये मुकाबला अंतिम छोड़ के रहे, कहते आपसे अनुरोध है कि आप देने देने तैयार है, इस मैच के तुरंत बाद ये मुकाबला शुरू होगा कैरबिनी वर्सेस सुहाई साहब पानीपत, आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा, आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने दोनों के टीमों को तैयार रखे कोच आइजन, और इस मैच के तुरंत बाद ग्राउंड में एंट्री कर दें। और एक नवीन जजर्स कहीं भी होकर 3 पॉइंटों की लीड आप कह सकते हो पाथोड़ा के पक्ष में। तीन पॉइंट की लीड और भैया शुभम इस समय रेड पर, शुभम इस समय रेड करता हुआ और भाई मीर गुड़िया कोच साहब जो कि इस बार हरियाणा स्टीलर के कोच थे मनप्रीत सिंह के साथ, हरियाणा स्टीलर टीम के 4 खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा है। 3 पॉइंट की लीड से आगे चलते हुए 5 नंबर जर्सी का खिलाड़ी राकेश, राकेश का इस समय रेड पर, राकेश गांव गोम जिला कैथो बहुत अच्छा खिलाड़ी नेशनल स्टाइल कबड्डी का, बिल्कुल बेहतरीन किक टच का दावा और फिर स्वीकार किया नवीन ने, और फिर रेड पर सचिन तमिल खिलाड़ी और टीम का एक खिलाड़ी सचिन इस समय रेड करता हुआ, बिल्कुल अतः वर्मा ने क्या बोला साथियों बेहतरीन प्रयास किया था, लेकिन रिंकू शर्मा सामने एक दीवार की तरह खड़ा था रिंकू, अगले मैच का दिल्ली वर्सेस पानीपत, और उससे अगला मैच संस्कार भारती पाली वर्सेस भैंसवाल, उससे अगले मैच संस्कार भारती पाली वर्सेस भैंसवाल, संस्कार भारती पाली वर्सेस भैंसवाल, ये संस्कार भारती की टीम है। हिमांशु यादव बहुत बढ़ावा से वो एक बार जसप्रीत से आकर मिले, और अगला जो मैच है वो कैर दिल्ली वर्सेस सियालसा पानीपत, कैर दिल्ली वर्सेस सियालसा पानीपत,
दिल्ली वर्सेज सब और संस्कार भारती पाली ए वर्सेज भैंसवा, वो चारों टीमें तैयार है। पहले जो मैच होगा वो कैर दिल्ली वर्सेज सियासत पानीपत के बीच होगा और वही सुबह में इस समय रेड करता हुआ मीरगुलिया अकेडमी का ये खिलाड़ी मीरगुलिया कोच साहब का इसी से स्कोर इन फेवर ऑफ पाथेड़ा। पाथेड़ा के पक्ष में 6 पॉइंट की लीड। भाई आप सबसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि कोई भी दर्शक खेल प्रेमी इन रस्सियों के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि रस्सियों के अंदर आए तो महेंद्रगढ़ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया जाएगा। आप स्वयं जिम्मेदार है, रस्सियों के अंदर ना आए। अंतिम 5 मिनट का समय से साहिल इस समय रोड पर 10 नंबर फर्सी का खिलाड़ी साहिल रेड करता हुआ। आखिरी 5 मिनट का समय जैसा कि विक्रम डिपू साहब ने अनाउंस कर दिया कोच साहब ने, और अब राजस्थान एक की जर्सी का खिलाड़ी बरजेंद्र इस समय एक बेहतरीन ऑलराउंडर आप कह सकते हो, बेस्ट रेडर बेस्ट डिफेंडर के कई अवार्ड ले चुका है ये खिलाड़ी, एक अच्छा ऑलराउंडर और बरजेंद्र बिल्कुल कामयाब है स्टैंड लेने में। कैर दिल्ली और सियासत पानीपत आखिरी 4 मिनट शेष और लीजिए साथियों बिल्कुल कैच लग चुकी है साथियों सुपर टैकल मिला मीरगुलिया अकेडमी को। पाथेड़ा की टीम के जो एक्स्ट्रा प्लेयर बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपनी एंट्री जमा कराएं। और अब पिछड़ती हुई मीरगुलिया अकेडमी की टीम लेकिन वापसी का प्रयास कर रहे हैं सचिन, और एक बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुत किया नितिन रावल का गुड़शान। नितिन रावल बापोली और वो अगले मैच के लिए कैर दिल्ली और सियासत पानीपत तीस तेईस का स्कोर 7 पॉइंट की लीड और अब लीड 8 पॉइंटों की हो चुकी है, 11 पॉइंटों की लीड आप कह सकते हो, 11 पॉइंटों की लीड सती माता पाथेड़ा की टीम के। और इस मैच में मात्र औपचारिकता भर बची है क्योंकि मैच पूरी तरह से पाथेड़ा के पक्ष में जा चुका है। तो भाई कैर दिल्ली और सियासत पानीपत दोनों टीम आ गए, कैर दिल्ली सियासत पानीपत दोनों टीमें ग्राउंड पर आ जाए, ग्राउंड नंबर 2 पर होल्ड हो जाए, यहाँ वार्म अप कर ले आप। दोनों टीमों से निवेदन है कि ग्राउंड नंबर 2 बिल्कुल खाली है। आखिरी 2 मिनट से दर्शक बिल्कुल उत्साह के साथ बाबा जय रामदास के ऐतिहासिक मेले के कबड्डी का मैच लुत्फ उठाते हुए आप सभी बलवंत सिंह जाया की तरफ से, आप ये सभी दर्शक जानते हैं बलवंत सिंह जाया की तरफ से एक अलाउंसमैन था सचिन तौर को जीतनी कैच लगेगी, जो कचर उनको सचिन तौर को रोकने में कामयाब होगा उसको प्रति कैच 100 रुपए से सम्मानित करेंगे भाई बलवंत सिंह जाया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बलवंत सिंह जावा का। नितिन
अब तक सचिन पवार को 3 कैच लग चुके हैं, 300 रुपए निर्गुनिया के टीम के खिलाड़ियों के जाल में। लास्ट 1 मिनट का खेल शेष और अब इस मैच में मात्र औपचारिकता भर बची है। मैच पूरी तरह से पथेरे के पक्ष में आ चुका है। अगली दोनों टीमें तैयार ग्राउंड में आ गए हैं। ये मैच समाप्त हो चुका है। कैर दुल्लू वर्सेस सीआई सा पानीपत, दोनों टीमें ग्राउंड में आ गए हैं। आप वार्म अप के लिए अंदर आपके लिए व्यवस्था की गई है, तो मैं टीमों से अनुरोध करूंगा कि आप अंदर आ जाए। ये मैच समाप्त हो चुका है। सीआई सा पानीपत वर्सेज कैर दुल्लू, दोनों टीमें क्रम गिरा रहे थे। और उसके बाद संस्कार भारती पाली ए वर्सेज भैंसवाड़, संस्कार भारती पाली ए वर्सेज भैंसवाड़।